तो आप सबको जोहार। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दुनिया की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर आप इलीगली वहां पर जाने की कोशिश भी करोगे और अगर आपको पकड़ लिया गया तो उसके बाद आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अपना खुराफाती दिमाग लगाने का खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। तो वैसे तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जिसके नज़ारों का आप फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी आँखों को थोड़ा बहुत सुकून तो दिलवा ही सकते हो। पर कुछ जगहें ऐसी हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से लोगों को वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया गया है और उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपको ज़बरदस्ती का मना किया गया है, आपकी ही सेहत का ख्याल रखते हुए, आपका ही ध्यान रखते हुए ही, आपके हित का ख्याल रखते हुए ही आपको वहाँ पर जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हो सकता है कि आपकी जान जा सकती है या फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए उन जगहों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो जगह जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उस जगह का नाम है रूम 39, जो कि है उत्तर कोरिया में। तो देखो, नॉर्थ कोरिया में तो वैसे भी तानाशाही चल रहा है, तो वहाँ पर किसी का आना या जाना हर किसी के बस का बात तो नहीं है। वैसे उसको लेकर हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा वहाँ पर कहा जाता है कि रूम नंबर जो 39 है वो एक तरीके से एक कमरा है जिसका जो निर्माण है वो 1974 यानी कि 1974 में किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने करवाया था। और ये रहस्यमय जो कमरा है वो आम लोगों के पहुंच से एकदम बाहर रखा गया है और अभी भी अब तक इस कमरे में कोई भी घुस नहीं पाया है। और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है कि कोई जा भी नहीं सकता है। और उसी वजह से इस कमरे के अंदर क्या है, कोई सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से किसी को वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, जो नॉर्थ कोरिया में ये रूम 39 है, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या फिर क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर किसी को भी कुछ नहीं पता, किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है। और आपको इस जगह के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, दूसरी जगह की अगर हम लोग बात करें तो उस जगह का नाम है किनशी हुआंग, जो कि है चीन का मकबरा। तो इस मकबरा में टेराकोटा आर्मी आज भी सम्राट किनशी हुआंग की कब्र की सुरक्षा कर रही है, मतलब ऐसा माना जाता है। हालांकि कहानी जो है या फिर वो जो घटना हुई थी वो काफ़ी सालों पहले हुई थी, तो पता नहीं वो लोग अभी भी ज़िंदा है या नहीं, पर उनकी ऐसी मान्यता है कि अभी भी जो टेराकोटा आर्मी है वो अभी भी सम्राट किनशी हुआंग की कब्र की रक्षा कर रही है और उसी वजह से यहाँ पर उस जगह पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। दरअसल टेराकोटा आर्मी मिट्टी से बनी हुई 8,000 सैनिकों की सेना है और माना जाता है कि करीबन 6,000 सैनिक अभी भी अंदर दफन है। तो देखा जाए तो वह एक ऐतिहासिक स्थल जैसा बन चुका है, तो उसी वजह से वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं किया जाता है कि आपको वहाँ जाने दिया जाएगा, ऐसा वहाँ पर रूल नहीं है। और वैसे भी आप इंसानों के बारे में तो जानते हो, जहाँ पर जाएंगे कलाकारी करके ही आएंगे, चाहे ड्राइंग बनाना हो, थूकना हो या फिर बाकी सारी चीज़ें करना हो, और ये वहाँ की गवर्नमेंट शायद काफ़ी अच्छे से जानती होगी और इसी वजह से वहाँ पर किसी को भी जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगली जगह की तो वो है कोका कोला वॉल्ट। तो कोका कोला की जो शुरुआत है वो फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने अटलांटा जॉर्जिया में की थी। तो इसको आप लोग याद कर लो, क्या पता एग्ज़ाम वगैरह में आपको काम आ ही जाएगा। तो जिसको स्वाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसकी रेसिपी जो है वो एक सीक्रेट वॉल्ट में बंद है। मतलब आप फिल्मों वगैरह में जहाँ पर देखते हो ना कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट कमरा होता है या फिर एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाली एक लॉकर होती है, उस लॉकर के अंदर में बहुत सारे पैसे होते हैं, तो आप ऐसे ही मान के चलना कि एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट लॉकर है और उसको बहुत अच्छे से लॉक किया गया है, बहुत टाइट सिक्योरिटी के अंदर उस जगह पर उस कोका कोला को किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या सारे इन्ग्रीडियंट्स डाले जाते हैं, उसका जो राज जो रहस्य है उसके अंदर दफन है या फिर उसको वहाँ पर रखा गया है और वो किसी के हाथ ना लगे, उसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई है और हर किसी को वहाँ जाना अलाउ नहीं किया जाता है और बिल्कुल भी मतलब जाने दिया ही नहीं जाता है। इसके अलावा मैं अगली जगह की बात करूँ तो इसके बारे में एक वेब सीरीज़ भी बन चुकी है और वो काफ़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ भी है, शायद HBO की तरफ से आई थी, चेर्नोबिल नाम की एक वेब सीरीज़ आई थी, हालांकि वो अब हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है या फिर नहीं मुझे नहीं मालूम। और उस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रेटिंग्स भी मिली है। तो उस जगह का नाम है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट। तो 1986 में सुबह को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो गया था अचानक से, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा
परमाणु हादसा कहा जाता है और वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद भी इस हादसे का प्रमाण नहीं मिल पाया है। और क्योंकि ये एक न्यूक्लियर विस्फोट हो गया था इस प्लांट में, तो उसी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो इस एरिया के आसपास अब बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैल गया है। और अगर आप उस जगह पर जाते हो और उस रेडिएशन जो वहाँ से रेडिएशन निकल कर आ रहा है, तो अगर आप उसकी चपेट में आ जाते हो तो आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, आप लंगड़े लूढ़े हो सकते हो, या फिर आपकी बॉडी को अंदर से वो हार्म कर सकता है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। तो उसी वजह से उस प्लांट के आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। और चूँकि वो जो रेडिएशन हो रहा है उसका जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट, हालाँकि नेगेटिव ही होगा, वो कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं, लेकिन उस वजह से जो नुकसान आपको होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगा। तो उसी वजह से वहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और फेमस जगह जहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है वो है एरिया 51, जिसके बारे में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। तो अमेरिका के नेवादा में लास वेगस से 133 किलोमीटर दूर एरिया 51 अमेरिका वायुसेना की ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है, जो हाई सिक्योरिटी से लैस है और इस एयरबेस पर हथियारों का परीक्षण या नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। और उसी वजह से यहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि हादसा हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, विस्फोट वगैरह किए जाते हैं, तो हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाए, या फिर कोई अनजाने में अगर पहुंच भी जाता है और अचानक से विस्फोट हो जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो उसी वजह से लोगों को यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। हालाँकि ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर एलियंस वगैरह भी आते रहते हैं, तो हालाँकि ये मिथ है या फिर सच है इसको लेकर तो बोलना मुश्किल है, पर खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी जाना तो अलाउ नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं अगले जगह की बात करूँ तो उसका नाम है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। तो नॉर्वे का ये ग्लोबल सीड वॉल्ट एक गुप्त स्थान है और जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन फाइनली आप लोग जान ही गए होंगे। यहाँ पर दोबारा से जीवन की शुरुआत करने की शुरुआत की जाए तो इन सभी बीजों से या फिर बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर जो सेव करके स्टोर करके रखी गई हैं उनसे इसकी शुरुआत वापस से की जा सके। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ कभी काम भी आएगी या फिर नहीं। इसके अलावा अगली जगह की मैं बात करूं तो वो जगह है ब्राज़ील की। और अगर आपको सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जितना कि मतलब जैसा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और वो जगह है इलाहादा क्यूवी मादा। तो देखो ये जो जगह है ये एक ऐसी जगह है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील में देखा जाए तो एक द्वीप है, वहाँ पर ये जगह मौजूद है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सांप ही सांप भरे हुए हैं, और इतने भरे हुए हैं ना कि मतलब क्या ही मैं बोलूँ, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। हर एक एक सेकंड जितना आप कदम बढ़ाओगे आपको सांप ही सांप दिखेंगे। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उस पूरी जगह में जितने भी सांप भरे हुए हैं वो सारे के सारे जहरीले सांप हैं, और अगर उसने आपको काट लिया, जो कि वो आपको काटेंगे क्योंकि पेड़ हो या पौधे, झाड़ी हो या जंगल, ज़मीन हो या आसमान, मान के चलना वहाँ का, आपको हर जगह सांप ही सांप दिखेंगे। तो उसी वजह से वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जाने से नुकसान हो सकता है और आप मर भी सकते हो, उसी की वजह से वहाँ पर लोगों को जाना अलाउ नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगली जगह की बात करूँ तो है साउथ सेंटिनल द्वीप। तो जो साउथ सेंटिनल जो आइलैंड है, भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वो क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और ख़ुद को उन्होंने कैसे ज़िंदा रखा हुआ है। और देखा जाए तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक जगह है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल भी अलग है, मतलब देखा जाए तो वो काफ़ी साल पीछे चल रहे हैं, और उसी वजह से दिक्कत यह है कि वो वहाँ पर बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर इंटरफेयर करें, और उसी वजह से काफ़ी सारे हादसे भी हुए हैं। आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे, एक टूरिस्ट को तो तीर भी लग गया था उसी वजह से, मतलब हालांकि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको मुख्य धारा में लेकर आया जाए, पर अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक पर आ जाएंगी और सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। जोहार।